अच्छा यहाँ पे ना मैं कोई पढ़ाई लिखाई या सक्सेस मंत्रा या इसके लिए नहीं कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम का मैंने टैग लगाया है। स्टॉप वेस्टिंग टाइम यहाँ पे मेरा एक पर्सनालिटी रिलेटेड बिहेवियर पैटर्न रिलेटेड टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से। स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन पीपल हु इग्नोर यू, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन पीपल हु डोंट थिंक अबाउट यू, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दोज पीपल एंड वेस्टिंग योर टाइम ऑन पीपल फॉर हुम यू डोंट इवन मैटर, ठीक है। स्टॉप पीपल हु जस्ट कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग यू, स्टॉप थिंकिंग ऑफ पीपल जो कि आपको खामखा समझते हैं, जिनके लिए स्टेटस उनकी दौलत ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो व्यक्ति विशेष की वैल्यू पे कोई ध्यान नहीं देते, जिनको लगता है कि ठीक है आप हो इसलिए हो क्योंकि आपको होना है, क्योंकि आपके पास कुछ और है नहीं, आप क्योंकि उनके पास पूरे टाइम अवेलेबल हो, मतलब कि दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। समझ में आया? यानी क्या कि ऐसे लोगों से, ऐसे बातों से और ऐसे थॉट से अपने को दूर रखो जिसमें आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ड्रेन होती है, जिसमें कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिसमें आप सेल्फ लव नहीं कर पाते, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे खुद के अपने ही कितने हों। अगर कोई आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, अगर आपके लिए कोई कंसर्न नहीं है, आप भी उनके लिए कंसर्न मत दिखाओ। हाँ, आप लड़ो नहीं, भिड़ो नहीं, उनको गंदा मत बोलो, कोई गाली गलौच मत करो, कुछ मत करो, क्योंकि पता है क्या, अगर आप उनसे नफरत भी कर रहे हो ना, यानी कि यू आर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू देम, उनके बारे में सोच भी रहे हो ना, हाय आज इसने मुझे ये कहा था, हाय उसने तो मुझे पर साल ये कहा था, ये सब सोच भी रहे हो ना, तो इसका मतलब आप कुछ नहीं, आप उन लोगों को अभी भी इम्पोर्टेंस दे रहे हो अपनी लाइफ में जो कि आपके लिए मैटर ही नहीं करते, जिनके लिए आप मैटर नहीं करते। तो लोगों को अपने को ना ऑल टाइम अवेलेबल मत बनाओ। जब देखो आपको ये सोचे कि अरे इसको क्या, ये तो टाइम देगी देगी, नॉर्मली जैसे रिलेशनशिप्स में क्या होता है, यहाँ पर मैं प्यार मोहब्बत की बात कर रही हूँ, कि दूसरा आदमी तो फॉर ग्रांटेड लेता है ये कहाँ जाएगी, ये तो मेरी ही है, छोड़ो ना, और बातचीत करते हैं, मतलब कि घूमते फिरते हैं, अपना करियर में ध्यान देते हैं। लड़कियों का क्या है, ये तो कहीं नहीं जाएगी, ये तो यहीं ही जाएगी, कहीं कहीं ये लड़कों के केस में भी अप्लीकेबल है, बट नॉर्मली लड़कियों को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मतलब अगर आपने ये शो कर दिया कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए बने हुए हैं, या हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल दिखाते रहते हैं, चाहे हम कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम अवेलेबल रहते हैं, तो फिर वो आपको ग्रांटेड लेने लगता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो यार, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ और अपने को सेल्फ लव करो। एक बार आपने सेल्फ लव सीख लिया ना, अब वो किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी, जिसको आपकी ज़रूरत होगी वो खुद आएगा, आपको किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यही चीज़ है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सच पीपल। बाय बाय।